अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद नादिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्मार्ट की दोस्तों एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप अपने काइन मास्टर के वाटरमार्क को रिमूव करेंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, काफ़ी अच्छा अपना ये वीडियो एडिटर है कि काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, तो वाटरमार्क मिलता है तो हमें इससे जो है ना काफ़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप अपनी वीडियो के वाटरमार्क को, जो वीडियो में वाटरमार्क मिलता है उसको कैसे रिमूव करें, तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की मजीद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल की गति प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आसानी नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको चल के काइन मास्टर में दिखाते हैं कि हमारे वाटरमार्क आ रहा है तो कैसे रिमूव करें। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर जी। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ काइन मास्टर पे, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा वाटर मार्क आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ वीडियो ले लेता हूँ कोई भी, ये वाली, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये वाला मार्क वाटर मार्क है, ये आ रहा है। हम इसको कैसे रिमूव करें मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखनी है दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब, तो यहाँ से हम वापस चले जाएंगे। वापस आने के बाद दोस्तों यहाँ पे काइन मास्टर को हमने अनइंस्टॉल करना है। तो दोस्तों आपने इसको अनइंस्टॉल करने के बाद, काइन मास्टर को अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा से इसको इंस्टॉल करना है। आपने प्ले स्टोर से बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना है, आपने चले जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद दोस्तों एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आपने एक एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करना है, उस एप्लीकेशन से आपने काइन मास्टर को डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों एसी मार्केट। तो हम यहाँ पर लिंक वन पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं किस तरह आपने डाउनलोड करना है इसको। तो ये डाउनलोड पर ऑप्शन आ गया, हमने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमने इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको इसको इंस्टॉल करके और इसमें आपको काइन मास्टर को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो मैं चला जाता हूँ इसके फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर में जाके आपको इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी एसी मार्केट एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है, इसको ओपन करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी एसी मार्केट जो एप्लीकेशन है ओपन हो चुकी है। यहाँ सर्च बार में आपने सर्च करना है काइन मास्टर। तो ये एप्लीकेशन आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है काइन मास्टर को, यहाँ से आपने डाउनलोड करने में डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद उसके बाद फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऐड आ चुका है, ऐड को हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं हमारी जो इसमें डाउनलोड के आइकन है उस पर डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो गया ये काइन मास्टर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जब तक ये डाउनलोड होता है तो हम इस वीडियो को स्किप कर देंगे ताकि आपको टाइम की बचत हो। तो हम इसको स्किप करते हैं, उसके बाद इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो काइन मास्टर है वो डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ अलाउ करना होगा, हम अलाउ कर देते हैं, उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा काइन मास्टर है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अलाउ करना है इसको, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करें। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर रन एंड एनालिटिक्स न्यू पर क्लिक करेंगे, कुछ यहाँ पर सेटिंग का प्रोसेस होगा तो यहाँ पे इसको होने देना है आपने।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों के बाद यहाँ पे मैं आपको प्रोजेक्ट बना के आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो काइन मास्टर में वाटरमार्क आ रहा था वो रिमूव हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना के देख लिया, यहाँ पे वाटरमार्क जो आ रहा था वो रिमूव हो चुका है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने काइन मास्टर का वाटरमार्क इस तरह रिमूव कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, उस तरह के मजीद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल की घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।